already gone through eicosanoids. Now, as I told you, the utility or the application of those eicosanoids, especially the prostaglandin, etc., here today. So, the topic here we are going to start is that is non-steroidal anti-inflammatory drugs. NSAIDs भी लोग आमतौर कह देते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट इसलिए है कि एक्चुअली वो थोड़े थोड़े में हमने किया हुआ ताकि आराम आराम से आप इसको समझ सकें. फ्रॉम नॉन स्टेरॉइडल एनसीड्स वी विल डिस्कस एसिटामिनोफेन विच इज एक्चुअली पैरास्टामोल आल्सो. Anti-inflammatory drugs, as the name is indicating, these are the drugs which are useful against inflammation. Broadly, we have divided it into two: steroids, which is also no doubt the main dominant effect of steroids is anti-inflammatory, apart from so many other effects. And the second one is non-steroidal, and इसको हम उस steroid के मुकाबले में, क्योंकि इनके इनका केमिकल स्ट्रक्चर स्टीराइड नेचर नहीं होता, हम इसको कह रहे थे नॉन स्टीराइडल हैं ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी. तो एक ग्रुप होगा स्टीराइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और दूसरा हो गया नॉन स्टीराइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो एनसेड के नाम से है. हम एक्चुअली ये डिस्कस करने जा रहे हैं तो मेनली ये फर्दर समझने के लिए हम कुछ तो वो हैं दोनों कॉक्स वन कॉक्स टू कन्वर्ट करने वाले जिनका केमिकल स्ट्रक्चर कहलाता है सैलिसाइलेट्स और दूसरा वो होगा जो नॉन सैलिसाइलेट हैं दोनों इनहिबिटर दोनों ही कॉक्स वन कॉक्स टू को इनहिबिट करेंगे लेकिन ये दूसरा वाला जो होगा उनका केमिकल स्ट्रक्चर सैलिसाइलेट्स से मुख्तलिफ होगा और एक तीसरा ग्रुप होगा जो सिलेक्टिव सिर्फ कॉक्स टू को इनहिबिट करने वाला जैसे हमने पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उनको हम कॉक्सिप्स कहते हैं. अब ये सिर्फ अब हम साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे की बात करेंगे बाकी जो दो थे वो ख़त्म कर दिए कि दो पाथवे में कॉक्स वन कॉक्स टू थे. तो कॉक्स वन जो था मेनली उसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं स्टमक इंटेस्टाइन किडनी प्लेटलेट उसमें दो इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं स्टमक और प्लेटलेट. तो स्टमक में पीछे देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इससे जो बनती हैं ठीक है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टासाइक्लिन के नाम से वो साइटोप्रोटेक्टिव था और ख़ास तौर पर गेस्ट्रिक म्यूकोज़ा के लिए वो साइटो प्रोटेक्शन शो कर रहा था और उस समय बेसिकली वो गैस्ट्रिक सेक्रेशन और पेप्सिन वगैरह की प्रोटेक्शन वो कम कर रहा था. और दूसरा जो था हमने देखा था कि भाई प्लेटलेट को दिखा था कि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट ये कॉक्स वन के जरिए है और तो कॉक्स टू के जरिए जो था ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा इनसे जो बन रही थी प्रोस्टाग्लैंडिन उनसे इन्फ्लेमेशन वगैरह उसे उन जगहों पे जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी साइट्स होते हैं जॉइंट्स हुई या और इस किस्म की हुई ठीक है वहाँ पे और भी हैं बल्कि इसमें इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लेमेटरी की मैक्रोफेजेस हैं साइनोसाइट्स वगैरह हैं. तो इन दोनों को अब देखेंगे इनको ब्लॉक करेंगे ये एनसेड्स कॉक्स वन को और कॉक्स टू को. तो स्पेसिफिक भी होंगे तो कॉक्स टू को इनहिबिट करने वाले होंगे कॉक्सिप के नाम से ठीक है. ये पिछले स्लाइड को हमने थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचाया. हमने बात की कि पीछे एक तो थे नॉन सिलेक्टिव कॉक्स वन फिर सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर और एक तीसरा पैरामाइनोफेनोल डेरिवेटिव्स ठीक है. अब नॉन सिलेक्टिव मींस जो दोनों कॉक्स वन कॉक्स टू को इनहिबिट करने वाले हैं. बात ये जितनी ड्रग्स गोइंग टू डिस्कस दे आर एसिडिक इन नेचर. अच्छा अब यहाँ पे जो लफ्ज एसिडिक नेचर है इसको ध्यान रखिएगा कि हमने बात की एक एसिडिक नेचर जो होंगी ड्रग्स वो क्योंकि एसिडिक मीडियम में नॉन आयनाइज्ड होंगी. तो अब हम आ रहे ये देखिए बॉडी में कौन सा हिस्सा जहाँ पे एसिडिक मीडियम है शाबाश स्टमक. तो इसलिए जब हम इन ड्रग्स को स्टमक में देते हैं और ख़ासतौर पर एम्प्टी स्टमक में तो बिल्कुल ही वो बड़ी हाईली एसिडिक पीएच होता है सारा ऑलमोस्ट 1.5 के करीब होता है. तो उसमें जब ये ड्रग्स देते हैं तो ये पूरी तरह ऑलमोस्ट 100% मॉलिक्यूल जो होंगे वो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होंगे अनआयनाइज्ड होंगे और वो होंगे फिर लिपिड सॉल्वर दे विल 100% बी एब्जॉर्ब देयर
easily cross the membrane of gastric mucosa and will enter into the circulation. तो पहली बात. दूसरी बात हमने पीछे देखी क्लासिफिकेशन में, पहला ग्रुप होगा नॉन सेलेक्टिव में सैलिसाइलेट्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इसलिए सैलिसाइलेट कहते हैं इनको. अगर से दो ड्रग हैं, एक एस्प्रिन एक डाइफ्लोनासॉल, लेकिन बेसिकली एक ही ड्रग है एस्प्रिन जिसको डिस्कवर, वो भी एक्चुअली उसका एसिटाइल एस्टर होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. ठीक, रहेंगे इनका स्ट्रक्चर सैलिसिलिक एसिड से डेराइव नहीं हो रहा, ये नॉन सैलिसिलिक है. उसमें सबसे पहला ग्रुप हो गया एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें अक्सर जो ड्रग्स हैं ये हम बड़े कॉमन इस्तेमाल करते हैं. अब हम उनका तो खैर ज़्यादा जेनेरिक भी रहे हैं और उसका ब्रांड नेम जो साथ साथ समझाने के लिए बाज़ों का मैं ले लूँगा, इंडोमेथासिन है इंडोसिट के नाम से, सिलेंडैग इटोटोलिक फरमाइनेस और मेफेनेमिक एसिड ये पॉन्स्टान वगैरह के नाम से, मैक्लोफिनामेट टॉलमेटिन केटोरालेक और डाइक्लोफिनेक. ठीक है, ये मुख्तलिफ इनफ्लेम के नाम से और डाइक्लोरॉन के नाम से, इस किस्म नामों से ये मिलती हैं. प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेट, अब प्रोफेन ये तो आपको पता है ब्रूफिन के नाम से होती है, सनप्रोक्सिन फिनोप्रोफेन केटोप्रोफेन फ्लोरबिफ्रेन और ऑक्साप्रोजिन. और तीसरा एनोलिक एसिड डेरिवेट, पैरोक्सिके मेलोक्सिके नेबिमेटोन. तो ये तीन ग्रुप हो गए नॉन सैलिसिलेट्स. अब आइए सेलेक्टिव कॉक्सिव, यानी कि जो है सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर, सेलिकॉक्सिक वेल्डिकॉक्सिक पारिकॉक्सिव एटोरिकॉक्सिव लिवारिकॉक्सिव पैरिकॉक्सिव एटोरिकॉक्सिव, ये सॉरी दो नाम आ गए इनके भी, हम इसको मिटा देते हैं. बेसिकली ये तीनों यस, इसमें से बाद नाम जो है वो रिपीट हो गए. एनीहाउ, तो ये कॉक्सिव के नाम से हो गए. फिनोल डेरिवेट, इसमें एक ड्रग है एसिटामिनोफेन जो पैरास्टामोल के नाम से होती है, कोई कंपनी उसको पैराडोल के नाम से बनाती है कोई ऐसे, तो बेसिकली पैरास्टामोल. और ये नामों का फ़र्क मैंने बताया हुआ आपको पहले कि पैरास्टामोल एक्चुअली ब्रिटिश नेम है, तो हमारे यहाँ क्योंकि वो पुराना जब ब्रिटिश का चल रहा है तो अब जो कंपनियाँ बनाती हैं यहाँ पर पैरास्टामोल के नाम से बनाएंगी. ठीक है, और एसिटामिनोफेन उसका अमेरिकन नेम है, तो हम आप जो बुक्स पढ़ते हैं आजकल अमेरिकन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसमें आपको लफ्ज़ पैरास्टामोल नहीं मिलेगा, उसमें आपको एसिटामिनोफेन मिलेगा. डायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं एनसेड्स की. जैसे पीछे भी हमने देखा कि ये तमाम के तमाम जो इनहिबिट करते हैं कॉक्सिप्स को, कॉक्स वन कॉक्स टू को, ज़्यादातर नॉन सेलेक्टिव और एक ग्रुप जो है वो सिलेक्टिव करता है, दे इनहिबिट रिवर्सिबली फॉर फ्यू आवर्स ओनली, जब तक उनकी हाफ लाइफ होती है तब तक ओनली. ठीक है, हालांकि ज़्यादा खुद प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उनकी अपनी लाइफ एंड पीछे ज़्यादा बड़ी छोटी होती है, लेकिन वो मुसलसल बनती हैं. ठीक है, तो इसलिए हम उस हिसाब से फिर अच्छा, अब इसमें डिपेंड करता है कि आगे जाकर यूज़ देखेंगे किस यूज़ में क्या करनी है. जैसे जिक्र किया था हमने कि एंटीप्लेटल के लिए एस्प्रिन हम 24 आवर में एक दफ़ा देते हैं, उसकी भी रीज़न थी क्योंकि चंद घंटों बाद जब उसका पहली डोज का इफेक्ट ख़त्म होता है तो बाकी सारा वक्त तो तकरीबन कोई 18-20 घंटे जो हैं तब एस्प्रिन का इफेक्ट ना हो, तो तब जो उसने एक बड़ी अच्छी प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो प्रोस्टासाइक्लिन थी, ठीक है, उसको भी इनहिबिट कर दिया था, लेकिन वो चूँकि एंडोथेलियल सेल से दोबारा बन सकती है, एनिक्लेटेड सेल्स होते हैं तो उससे कॉक्स दोबारा बन जाते हैं, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन भी दोबारा बन जाती हैं. और हमने देखा था कि वो एक्चुअली इन्वॉल्व थी कि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को जो है वो खुद रोकती थी, जबकि उसके मुकाबले थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो जो प्लेटलेट से बनता है वो इंड्यूस कर रहा था प्लेटलेट एग्रीगेशन. और उसका एक ही फायदा देने का फ़ायदा क्या है कि वो जितने प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, हमारी जो आम डोज हम 60 to above मिलीग्राम देते हैं एस्प्रिन की, वो काफ़ी होती है कि उस बॉडी में जितने भी प्लेटलेट मौजूद हैं उन तमाम में जो कॉक्स मौजूद हैं उनको इनहिबिट कर, कॉक्स वन जो है मौजूद है वो इनहिबिट कर दिया जाए. ठीक है, और चूँकि एस्प्रिन वह ड्रग है जो रिवर्सिबल नहीं करती, वो इनरिवर्सिबल लॉ करती है, तो तमाम जो कॉक्स वन कॉक्स टू, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ हम तो यहाँ पे अगर प्लेटलेट की बात करें यहाँ सिर्फ कॉक्स वन है,
तो वो परमानेंटली इरिवर्सिबली ब्लॉक हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, तो उससे आगे नए नहीं बनते और वो एक ही बनाता है थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो कि प्लेट एग्रीगेशन इंड्यूस कर रहा था। खैर आगे जगह फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अगर बार बार मैकेनिज्म आपके जहन में बैठ जाए इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। तो ये रिवर्सिबल करते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये उसके बाद जब इनका इफेक्ट ख़त्म होता है, ठीक है ना, तो दोबारा फिर डिसोसिएट हो जाते हैं या रीसेंसाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम रिपीट करेंगे जितना होगा, रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट करेंगे उतना अर्सा फिर ये बार 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 बार, इसलिए आप देखा होगा आप मतलब ब्रूफिन वगैरह है, फॉन्स्टान है, अब हर 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद जैसे भी एक हर ड्रग की अपनी अपनी है रिपीट करने की, रिपीट करते चले जाते हैं, वो इसीलिए होती हैं ताकि वो एक परसिस्टेंट इफेक्ट मिल जाए कि एक दफ़ा इस जगह के जो उन्होंने एंजाइम ब्लॉक किए हैं COX-1 या COX-2 या दोनों, तो वो फिर जब तक हमारा मसला हल नहीं होता, मतलब एंटीपायरेटिक इफेक्ट लेना फीवर में, एनर्जेटिक इफेक्ट लेना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट लेना है वगैरह वगैरह, तो वो फिर बरकरार रहे, ठीक है ना, इसलिए हम इस्तेमाल रिपीट करते हैं। सिर्फ एस्पिरिन जैसे मैंने कहा ये इरिवर्सिबल एसिटाइलेट्स जो है ना तो करती है और ब्लॉक्स करती है कॉक्स को, और इन तमाम एसिड का एक तो कॉक्स के थ्रू, लेकिन एक और इफेक्ट भी हमें ध्यान रखना चाहिए फार्माकोडायनामिक में कि एक्चुअली दे आल्सो इनहिबिट कीमोटैक्सिस एंड इंटरलेकिन, जो भी ये भी दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे उसके इन्फ्लेमेशन में, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में एक COX-2 के थ्रू इनहिबिट करना और दूसरे ये कीमोटैक्टिक फैक्टर और इंटरलेकिन वगैरह को ब्लॉक करना ताकि एक पूरी तरफ से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इनका मिल जाए। कॉमन है हेडेक हुआ, टूथेक हुआ, फीवर हो गया, कोई इन्फ्लेमेटरी पेन हो गई जॉइंट्स में, या इवन कोलिकी पेन्स हो गई मुख्तलिफ जगहों पर, कोलिसिस्टाइटिस हो गया जैसे यानी गॉल ब्लैडर में हो गया, किडनी में रिन कॉलिक हो गया या इंटेस्टाइनल कॉलिक हो गया फिर वगैरह वगैरह, तो इन तमाम को हम इससे रिलीफ दे सकते हैं बाई इनहिबिटिंग द कॉक्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन अफेक्टिंग एट दी साइट। कहा था कि पहला एक्शन एंटीफ्लेमेटरी, हमने पीछे भी देखा था इस प्रोस्टाग्लैंडिन खास तौर पे E2 और I2 इन्वॉल्व होते हैं जो एरेक्टिनिक डेरिवेटिव थे, ठीक है, लेकिन लिकोट्राइंस और थ्रोम्बोक्सिन भी इसमें अपना अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने में। एनाल्जेसिक एक्शन ये प्रॉबेबली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को देखा था हमने कि इसकी वजह से जो पेनफुल स्टिमुलाई आ रहे होते हैं खासकर पेरिफेरल साइड से उनको ये इनहिबिट करते हैं कि वहाँ वाले जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो इनहिबिट हो जाती है, अब नहीं बनती क्योंकि कॉक्स हमने इनहिबिट कर, ये थ्रू सेंट्रल मैकेनिज्म भी और पेरिफेरल मैकेनिज्म दोनों के जरिए पैरास्टामोल खासतौर पे हम देखेंगे E2 के जरिए एक्ट कर रहे हैं। तो ये जितने भी एसाइलिसिलेट एस्पिरिन खासतौर पर आर यूज मेनली फॉर द पेन मैनेजमेंट ऑफ लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी और स्कल्टर मसल रिजमेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हेडेक है, टूथेक है, बॉडी एक्स पेन्स हैं वगैरह वगैरह, ये जो अमूमन वायरल इन्फेक्शन के बाद या फीवर में जिसमें दर्द वर्द कुछ भी हैं हल्के फुल्के दर्द, इनके लिए जवाब यही एस्प्रिन जो सेलिसलेट्स में या जो नॉन सेलिसलेट्स में से जो हम पढ़ चुके हैं बार बार लफ्ज बोल रहे हैं ब्रूफेन, आइबोप्रोफेन, पॉस्टान, मेफेनमिक एसिड वगैरह या वॉल्ट्रान जो डाइक्लोफिनिक सोडियम जो या डाइक्लोफिनिक एसिड जो है सोडियम तो उसका साल्ट बन जाएगा एनी हाउ, तो ये हम इनके लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी वाले पेन में इस्तेमाल करेंगे और पैरास्टामोल भी इसी तरह, लेकिन उसका इंटेंसिटी इफेक्ट याद रखें वो नहीं बनेगा आगे जाकर हम देखेंगे, ठीक है। बाकी जितने एनसीएड सारे के सारे जो पेन वैसे हो रही है उनको भी, जो थ्रू इन्फ्लेमेशन रही है उनको भी, वो दोनों को कवर करेंगे एनसीएड्स सवाए पैरास्टामोल के, क्योंकि उसका याद अभी से जिन में सारी उम्र के लिए बिठा रखें क्योंकि उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं है और वो जो क्योंकि ये रोक लेती है उसको बल्कि जो है सिलेक्टिव जो प्रोस्टासाइक्लिक गैस्ट्रिक मुकोज़ा को उस पर भी इफेक्ट उसका नहीं है, इसलिए उसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी नहीं है, वो COX-1 पर इफेक्ट है ही नहीं पैरास्टामोल का,
खैर मैं फिर देख रहा हूँ, जब आगे पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो पीछे हमने देखा था कि रिनल कॉलम वगैरह में याद रखिए इफेक्ट मिलता है इसका, कोलेसिस्टाइटिस में भी रिनल कॉलम में भी आके मिले, लेकिन वो जो स्पैज्मोलिटिक पढ़े थे हमने एंटीकोलिनर्जिक में या बाकी में, उनके मुकाबले में ये इनका इफेक्ट कम होता है। तो अक्सर बात पेन वगैरह ज़्यादा हो जाए ना मलिग्नेंसी में, ओ हो अल्लाह माफ़ करे, बड़ा सीवियर पेन होता है, बिकॉज यूजली एंड नर्व एंडिंग्स आर इन्वॉल्व, वो शिकार हो जाती कैंसर की। और ये रिमेंबर फॉर ऑल ऑलवेज कि वेयर नर्व एंडिंग्स आर इन्वॉल्व पेन विल बी वेरी सीवियर, वो मलिग्नेंसी में हो जाए, वो कोई पोस्ट सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ऑर्थोपेडिक में कोई नर्व कंप्रेस हो जाए, या इवन आपने टूथ एक्सट्रैक्शन करनी है या उसकी रूट कैनाल करनी है तो नर्व एंडिंग इन्वॉल्व होती है बड़ी पेन, तो आपको वहाँ पे फिर लोकल एनर्जी देना पड़ेगा नर्व एंडिंग लेवल पर, ठीक है। लेकिन बहरहाल अमूमन जहाँ जहाँ ये होते हैं तो बाज का हमें इन सवियर टाइप्स के जो वैसे बर्दाश्त नहीं होगी, मेन हमारा ओपीआर जो ग्रुप पड़ा था मॉर्फिन लाइक ड्रग्स, और साथ उनके ये मिलाना पड़ेगा एनसेड वगैरह, ये दोनों का कम्बिनेशन देखा है, ये बड़ा इफेक्टिव होता है इन ट्रीटिंग पेन ऑफ सच टाइप्स ऑफ सच ओरिजिन। हो गया अभी तक आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, एनल्जीजिक और तीसरा एंटीपायरेटिक फीवर के खिलाफ, हमने पीछे देखा था E2 वगैरह खासतौर पर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर पर या पैथोलॉजी में होते हैं, वो उसमें एक्ट करते हैं और उसको एलिवेट करते हैं, हाई लेवल पर सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर ये टेम्पर। और मोमन हमने पीछे भी देखा था एंडोजनस पायरोजेंस इंटरलेकिन वगैरह इंटरफेरॉन एट्सेट्रा, तो वो मुख्तलि सेल से रिलीज होते हैं, वाइट सेल्स होते हैं, तो उनसे फिर ये एलिवेट करते हैं। और एनसेड जो हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 खासतौर पर, ठीक है, इनको ये साइक्लोजन 2 के जरिए खास तौर पर जो है अब इनहिबिट करते हैं, इस तरह एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो कर देखी है कि दिमे है, ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन इफेक्ट एंड मेटाबॉलिक रेट, जो कि बुखार में वैसे ही होता है और इस वजह से भी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, बाद का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ। आपने कभी गौर किया हो कि ऐसे पेशेंट कुछ कोई ऐसी बीमारी जिसमें मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ, उसमें हाइपरथायरॉइडिज्म, उसमें मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, अब भाग के सवेर आए हैं मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ होगा वगैरह वगैरह, तो आप देखिए बॉडी टेम्परेचर एकदम बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें हम अमन फिर ये बार जो उसको रोकेंगे, और रीजन दूर करनी होती है, भागना तो थोड़ा आराम कर लें ठीक हो जाएगा, और बहुत मसला है हाइपरथायरॉइडिज्म तो उसको कंट्रोल करें। बाज़त ये जो सेलिसाइलिन एस्पिरिन वगैरह है ओवरडोज़ होती है, इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, इसमें फिर एक साइड इफेक्ट रहेगा सीवियर स्वेटिंग होती है, जैसे बाज़त स्वेटिंग से इतनी ज़्यादा इवन डिहाइड्रेशन तक हो सकती है पेशेंट में। और चौथा इफेक्ट आ जाइए एंटीप्लेटलेट, हमने देखा था इसमें मेन इन्वॉल्व होता है कि प्लेटलेट जो बना रहे थे थ्रोम्बोक्सिन A2, फिर वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, कि नॉर्मल थ्रोम्बोक्सिन A2 जो थे वो प्लेटलेट एग्रीगेशन एनहांस कर रहे थे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप था इन थ्रम्बस फॉर्मेशन, जबकि प्रोफ I2 डिक्रीज कर रहा था। अब जब हम ये ड्रग्स देते हैं तो ये इनहिबिट करते हैं, तो शुरू में जब तक देंगे दोनों को इनहिबिट कर देंगे, थ्रोम्बोक्सिन A2 का जो रिकॉर्ड है कि जो प्लेट एग्रीगेशन कर रहा था, ठीक, अब नहीं कर पाएगा, लेकिन उलट जो I2 नहीं कर रहा था वो करना शुरू कर देगा, ठीक है, ये ठीक है, मैक्रोनिक ऐसे नीचे एंड सर्कल जो किया थ्रोम्बोक्सिन A2 बना, इसके अपने रिसेप्टर्स होते हैं प्लेटलेट सेल पर जिसको बाइंड करके, ठीक है, ये फिर ये सारे इफेक्ट कर रहा है, एग्रीगेशन कर रहा है थ्रू ADP भी, बाकी ठीक है एडेनोसिन वगैरह के उसके अपने होते हैं, क्लोपिडोग्रिल ये जब आपने पढ़े थे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स उसमें पढ़ी थी, वो थ्रोम्बोक्सिन 1 के जरिए जो थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहा था हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, इनहिबिट होगा तो ये जो एग्रीगेशन होगी प्लेटलेट की, फिर 60 में काफ़ी है, लेकिन इवन जो आम टेबलेट हमें मिलती है डिस्प्रेन की 300 मिलीग्राम वाली, क्योंकि अप टू 350 मिलीग्राम इसका इफेक्ट हमें मिलता है, तो एस्प्रिन जो है इरिवर्सिबली एसिटाइलेट्स करती है या ब्लॉक करती है एंजाइम साइक्लो ऑक्सीजनेज 1 को, तो उससे जो बन रहे थे थ्रोम्बोक्सिन A2 और I2 बन रहे थे,
तो ख़ास तौर पे इनहिबिट करती है थ्रोम्बोक्सिन ए टू प्रोडक्शन प्लेट्स विद इन मिनट्स, ठीक है, और इस तरह उसका इफेक्ट बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, उसकी प्लेट एग्रीगेशन को ये रोकते हैं। तो लेकिन बाज़ का ये कि डिप्लेटरी इफेक्ट इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है कि इससे भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है उन पेशेंट में। अक्सर पेशेंट को अपने चेक करेंगे कि जो एंटीप्लेट थेरेपी जो एस्पिरिन ले रहे हैं, हालांकि लोड ले रहे हैं, लेकिन अक्सर बात देखते हैं कि उनमें थोड़ी सी बाकी लोगों के मुकाबले में कट लग जाए, कोई सी बात हो जाए, तो उससे ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक रहती है। तो जैसे मैंने बार बार बोला कि बाकी जो है इसके अलावा स्प्रिन के अलावा जो बाकी एनसेड्स हैं वो भी ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो रिवर्सिबली जब तक ड्रग का इफेक्ट है वरना नहीं उसका ख़त्म हो जाएगा। मतलब बताया स्प्रिन इरिवर्सिबल बिकॉज प्लेटल बीइंग नॉन न्यूक्लिएटेड कैन नॉट सिंथेसाइज न्यू एंजाइम, सो थ्रोम्बोक्सिन ए टू की का इफेक्ट जो ब्लॉक हो गया था इरिवर्सिबल ब्लॉक हो गया, तो डेफिशिएंसी की वजह से जो उस वक्त तक जब तक अब उस प्लेटलेट की लाइफ है 3 to 7 days उस वक्त तक इफेक्ट रहेगा, अब प्लेटलेट एग्रीगेशन से नहीं होगी। तो अमूमन फिर जो एक दफ़ा का बने ख़त्म हो गए अगले बने में 24 घंटे लगते हैं, तो पूरी तरह उस लेवल तक आने में जब तक प्लेटलेट ने अपने बाकी इफेक्ट्स को करना है तो 24 घंटे में फिर रिपीट कर देते हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी होता रिपीट करना। और उसका फ़ायदा में हमने बार बार बात की थी कि सिर्फ ये होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो है एंडोथेलियल सेल जो अपना जो न्यूक्लियाई में मौजूद है वो दोबारा अपना बना लेते हैं कॉक्समन, और उससे फिर प्रोस्टाग्लैंडिन दोबारा बन जाता है और उसका जो अच्छा इफेक्ट हमें दोबारा मिलना शुरू हो जाता है। तो डुअल इफेक्ट मिलता है स्प्रिंग से, याद रखिए हमेशा। अच्छा, इसमें हमने तीनों लेवल के थेरेपेटिक इफेक्ट, हाई डोजेज और टॉक्सिक लेवल। थेरेपी डोज में तो सिंपल ये कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेट करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको नेचुरल पता है कि वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, उसके इंक्रीज रेस्पिरेशन हो जाती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हाई डोजेज होता है तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर पर डायरेक्टली थेरेपेटिक डोज तो थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है ना, लेकिन हाई डोजेज स्प्रिन के बराह इराज खुद जाकर रेस्पिरेटरी सेंटर पर करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, और इतना रेट बढ़ जाता है कि इवन हाइपरवेंटिलेशन हो जाती है, और ये हाइपरवेंटिलेशन इतना ज़्यादा सांस आता है कि एसिडोसिस ख़त्म हो जाता है, बाहर से अंदर आके ऑक्सीजन इसके अंदर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस काज कर देती है। और टॉक्सिक लेवल पर तो जाकर इवन ये डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर को पैरालाइज, तो सेंट्रल रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है विद द टॉक्सिक लेवल ऑफ एस्पिरिन। पहले भी देखा था कि प्रोस्टन आई टू खासकर जो प्रोस्टोसाइक्लिन के नाम से है ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और पेप्सिन वगैरह को ये नॉर्मली इनहिबिट करती है, जबकि जो E2 और F2 अल्फा वगैरह होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है ताकि जो हर वक्त एसिडिक मीडियम रहता है स्टमक में, ठीक है, वो अंडर कंट्रोल भी रहे, खुदा ना खास्ता हो उसकी गैस्ट्रिक मुकोज़ा की इन्फ्लेमेशन काज करके या इवन खुदा ना खास्ता अल्सर ना बना दे वहाँ पर। लेकिन जब हम ये ड्रग देते हैं और फलकर नहीं बनती, ब्लॉक हो जाते हैं, तो देर इज इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन और म्यूकस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी वो भी कम होता है, दोनों ब्लॉक हो गई, I2 भी ब्लॉक हो गया, उससे गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो कम हो रही थी वो ज़्यादा हो गई, E2 अल्फा टू F2 अल्फा से जो प्रोटेक्टिव म्यूकोज़ा बन रहा था अब वो नहीं बन रहा, वो एक्सपोज हो गया म्यूकोज़ा की वजह से, वो सारा म्यूकस की वजह से उस पर एसिड एक्ट कर सकता है। तो एक्चुअली हमने जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट था उससे हमने महरूम कर दिया स्टमक को बाई गिविंग दीज प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कॉक्स जो एनसेड जो हैं ये सारे के सारे, ठीक है। और याद रखिए पॉजिटिव वगैरह ये जितने भी है ये कॉक्स 2 के जरिए ज़्यादा बनते हैं, ये ऑटो रेगुलेटरी इफेक्ट है रेनल फंक्शन पर, और नॉर्मली ये डायरेसिस वगैरह ये काज कर रहे होते हैं, मेंटेन करते हैं रेनल ब्लड फ्लो को, तो उसकी वजह से। तो लेकिन जब एनसेड देते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो इनसे फिर रेनल ब्लड फ्लो जाना कदरे वो कम हो जाता है, तो डायरेसिस इफेक्ट भी कम हो जाता है, और अक्सर का देखकर रिजल्ट इन रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर और बात कर हाइपरकलीमिया। अच्छा, ये जो है ना इसका फिर एमसीक्यू बन जाता है ड्रग इंट्रैक्शन में भी, बात का सवाल आ जाता है कि एंसर जो है सोडियम वाटर रिटेंशन भी काज करते हैं, ठीक है ना, उससे ब्लड जो है वॉल्यूम बढ़ सकता है, और हाइपरकलीमिया ये काज करते हैं, और पोटाशियम लेवल हमेशा ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं फॉर आवर स्पेशली कार्डियक जो है ना इम्पल्स प्रोडक्शन के लिए, पोटाशियम ज़्यादा हो या कम हो दोनों ही, तो हाइपरकलीमिया जब
एनसेड इसके लिए ख्याल रखना है कि इसे कहीं ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट ना हो जाए, हालांकि कितना कम इस्तेमाल होने वाला है तो इससे ज़्यादा ये भी लगता है कि भाई ये इफेक्ट जो है ना कोई आम कॉमन डोज से या थोड़े हल्के फुल्के इस्तेमाल से इतना ज़्यादा इफेक्ट पोटेशियम के नहीं मिलता।